Hello friends, welcome to the another exciting video by Pristine Channel. My name is Param. Let's start. Friends, मैंने आपको अपने last video HTML5 part 1 में बताया था SVG tag and progress tag. आज हम part 2 video में करेंगे dialogue tag and meter tag and data list tag. Now friends, आज हम create करेंगे अपने ये तीन task. First ये है हमारा dialog box, meter tag and data list tag. Data list tag में आप देख रहे हैं मेरे पास ये है एक drop down list. Now friends, first start with the dialog tag. Dialog tag is used to create a pop-up dialog box on web page. It has one attribute, open. It specifies that dialog box is active. Now friends, let's start with code. In dialog tag, we have a code. We have tag, dialog, tag start, dialog tag close. यहाँ डायलॉग टैग में हम p टैग यूज़ करेंगे. p टैग में हम वो टेक्स्ट देंगे जो हम चाहते हैं हमारे डायलॉग बॉक्स में हमें शो हो. लेट्स से मैं दे रही हूँ हाय आवा डायलॉग बॉक्स. नाउ फ्रेंड्स, in a dialog box we have a only one attribute, that is a open. Program ko save karenge and run mein jaake use launch karenge. Now see, there is a dialog box jisme humne print karwaya hai I am a dialog box. Now friends, let's start with meter tag. यह है हमारा मीटर टैग. फ्रेंड्स, मीटर टैग इज यूज टू मेजर द डाटा विद इन अ गिवन रेंज. एट्रीब्यूट ऑफ मीटर टैग आर फर्स्ट इज वैल्यू, सेकंड इज फॉर्म, थर्ड इज हाई, लो, मैक्स, मिनिमम एंड ऑप्टिमम. दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ मीटर टैग. Meter tag is similar as a progress tag. For learn progress tag, you can watch my video HTML5 tags part 1. In part 1, I explained this concept better. So you can find that video on our channel. So please subscribe and also press the bell icon so that you get notified and keep in touch. Now come to the coding part. Meter tag start, meter tag close. Firstly friends, हम meter tag को simply use करेंगे without any attribute और without any text. Program को save करेंगे. Now see, यह है हमारा मीटर टैग, बट हमने उसे एट्रीब्यूट में कोई भी कुछ भी शो नहीं किया, तो जस्ट वो एक हमें मीटर टैग शो कर रहा है. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद दिस टास्क. Meter tag,
meter tag close. अब फ्रेंड्स हम इस मीटर टैग में एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे मैक्स। मैक्स में अपने मीटर टैग को देती हूँ 100 एंड नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वैल्यू। वैल्यू में मैं देती हूँ 30। नाउ प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड रिफ्रेश। नाउ सी जो मैंने अपनी 100 दी थी मैक्स वो है ये मेरा फुल मीटर टैग और जो मैंने उसे वैल्यू में दिया था 30 वो है ये ग्रीन पार्ट। नाउ वी हैव वन मोर अनदर सिंटेक्स फॉर डू दिस। meter tag start, meter tag close। अब फ्रेंड्स मैं इसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी दे सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ वैल्यू, वैल्यू में मैं उसे देती हूँ 0.7 एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ 70%। प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड रन द प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए जो मैंने 70% दिया था 0.7 वो ये है ग्रीन पार्ट जो प्रोग्रेस्ड है। ऐसे ही हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लाइक मैंने 3 करा एंड यहाँ पे मैंने 30 करा। प्रोग्राम को सेव करेंगे एंड सी द आउटपुट। दिस बोथ मीटर टैग्स आर सेम। सो हमारे पास मीटर टैग में करने के लिए ये दो वेज हैं। नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट डाटा लिस्ट टैग। डाटा लिस्ट टैग प्रोवाइड्स एन ऑटो कंप्लीट फीचर विच मीन्स इट अलाउस यू टू सिलेक्ट एन इनपुट फ्रॉम द प्रीडिफाइंड ऑप्शंस। द डाटा लिस्ट इज कंबाइंड विद द इनपुट टैग। एंड द सिंटेक्स ऑफ द डाटा लिस्ट टैग इज अ data list start, data list close, we have to give options, option tag, option tag close। सिमिलरली हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शंस दे सकते हैं। इट्स अ सिंटैक्स ऑफ द डाटा लिस्ट टैग। नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद डाटा लिस्ट टैग। डाटा लिस्ट टैग के लिए हम यूज करेंगे लेबल टैग। लेबल टैग क्लोज।
input tag, start. Data list tag, data list tag close, option tag, option tag close. जैसे मैंने बताया हम नंबर ऑफ ऑप्शंस ले सकते हैं, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगी। नाउ इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डाटा लिस्ट टैग। नाउ हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल टैग में एट्रीब्यूट लेंगे, क्लास, जिसे मैं नाम देती हूँ डाटा लिस्ट। एंड लेबल टैग में हम जो चाहते हैं हमारे, जैसे यहाँ आउटपुट में देखिए, जैसे मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरा बेसिकली शो हो एंटर कंट्रीज, तो हम लेबल टैग में ये टेक्स्ट लेंगे एंटर कंट्री। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां ऑप्शंस में हम लेंगे कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज, एट्रीब्यूट यूज करेंगे वैल्यू इंडिया, नेक्स्ट वैल्यू अमेरिका, नेक्स्ट देंगे वैल्यू ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट वैल्यू में देंगे इंग्लैंड, नेक्स्ट वैल्यू में देंगे कनाडा। ये है अब हमारे पास लिस्ट ऑफ जो हम चाहते हैं ड्रॉप डाउन हो वहां पे। एंड हम इनपुट टैग देंगे, इनपुट टैग में, इनपुट टैग हम यूज़ करते हैं, यहाँ आउटपुट में देखिए हमें एक बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट आए। सो जो ये हम बॉक्स लेंगे वो है हमारा इनपुट, जिसके अंदर हम इनपुट एंटर करवाते हैं। तो इनपुट में हम लेंगे टाइप एट्रीब्यूट में इक्वल्स टू टेक्स्ट, एंड देन हमारे पास है एक लिस्ट टैग, बिकॉज हम लिस्ट प्रिंट करवा रहे हैं, तो लिस्ट में है कंट्री। नाउ फ्रेंड्स, हम डाटा लिस्ट टैग में एट्रीब्यूट यूज करेंगे आईडी, जिसमें हम सेम जो हमने लिस्ट नेम दिया है वो हम देंगे और सेव द प्रोग्राम। नाउ फ्रेंड्स सी, दिस इज आवर
डाटा लिस्ट टैग, यह है हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, यह है हमारा इनपुट टैग से जिसे हमने बनाया है, और यह है हमारा लेबल। नाउ हमने डाटा लिस्ट टैग में तीन टैग्स यूज किए हैं, इट्स फॉर लेबल, और ये जो इनपुट एंटर करवाने के लिए हमने इनपुट टैग, और जो हमें डाटा लिस्ट चाहिए उसके लिए हमने यूज किया है डाटा लिस्ट, एंड ये ऑप्शंस के लिए हमने लिया है ऑप्शन टैग। नाउ फ्रेंड्स, आई होप बोथ दीज वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ फ्रेंड्स यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। We very frequently upload our another exciting video, and please friends also press the bell icon so that you get notified whenever there is another super helpful tutorial. Take care, have a nice day.